उज्जैन जिले में निवास करने वाले छात्र छात्राओं की मांग है कि राज्य सरकार छात्र छात्राओं को बैंक के माध्यम से लोन सुविधा उपलब्ध कराए ताकि पढ़े लिखे और शिक्षित छात्र छात्राएं व्यापार व्यवसाय कर आत्मनिर्भर बन सके। उज्जैन जिले में निवास करने वाले छात्र छात्राओं की मांग है कि राज्य सरकार छात्र छात्राओं को बैंक के माध्यम से लोन सुविधा उपलब्ध कराए ताकि पढ़े लिखे और शिक्षित छात्र छात्राएं व्यापार व्यवसाय कर आत्मनिर्भर बन सके। मैं सर राज्य सरकार के द्वारा करीब कई जो योजनाएं थी छात्र छात्राओं के लिए संचालित होती थी वह लोन लेकर अपना व्यवसाय कर सकें, पर अब ये योजनाओं में लोन नहीं मिलेगा बच्चों को, तो क्या समस्याएं खड़ी होगी और क्या परेशानी होगी? मनी शिवराज सिंह चौहान जो अपने आप को मामा कहते हैं, इन्होंने बहुत से युवाओं को बेरोजगार किया है। जो योजनाएँ पहले चलती थी उनको बंद करके एक उद्यमी योजना थी जो जिसको बेरोजगार युवाओं को शासन द्वारा सब्सिडी और लोन मिलता था। एक कृषि उद्यमी योजना थी जिसमें किसानों के गरीब बच्चों को जो व्यापार करना चाहते हैं उसके लिए 50,000 से लेके 2 करोड़ तक की लोन योजना थी। वो माननीय शिवराज सिंह चौहान ने इसको बंद करके बहुत से युवा बेरोजगार को बेरोजगार किया है। बच्चे जब रोजगार नहीं कर पाएंगे, माता पिता का सपना रहता है कि बच्चे पढ़ लिख कर रोजगार कर सकें, युवा रोजगार कर सकें, जब वो रोजगार ही नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे खड़े हो पाएंगे पैरों पर और कैसे अपने माता पिता का सपना साकार कर पाएंगे? देखो किसानों के बेटों पढ़ाई लिखाई करवाते हैं कि हमारा बेटा कुछ पढ़ लिख के कुछ व्यवसाय करे, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने ये योजनाएँ बंद करके पूरे उनके सपनों पर पानी फेर दिया। अब बैंकें उनको लोन देंगी नहीं तो छात्र छात्राओं को क्या समस्या आ जाएगी, किस प्रकार से उनका उत्साह कम होगा, मनोबल टूटेगा, क्या परेशानी खड़ी हो सकती है? ये योजनाएं बंद हो जाएगी तो युवा बेरोजगार पहले ही मध्य प्रदेश में बहुत थे और आगे और युवा बेरोजगार की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और युवा जो एक सपना लेकर पढ़ाई कर रहे थे उनके सपनों पर पूरा पानी फेर दिया माननीय शिवराज सिंह। क्या नाम है आपका? बलवान सिंह। बलवान सिंह जी कहाँ रहते हैं आप? मैं गांव खेड़ा जमुनिया में रहता हूँ। कौन सी कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैं बीए फाइनल ईयर में अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ लिख कर आप क्या करना चाहते हैं और क्या है? जी मेरे को वैसे नौकरी करना है, लेकिन अभी सरकार नौकरी की ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, और जो एजुकेशन पे लोन दे रहे थे वो भी बंद कर दिया है, तो आगे हमें कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे हम? मुख्यमंत्री जी से यही है हमारा कि हमें जो एजुकेशन लोन दे रहे थे उसको रिटर्न किया जाए, वो दिया जाए। छात्र छात्राओं को अगर लोन मिलेगा, उनको आवेदन अगर उनको हेल्प होगी तो किस प्रकार से व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं छात्र और किस प्रकार से करियर बना सकते हैं? हम अपना आत्मनिर्भर भी हम रहेंगे, अगर लोन दिया जाएगा तो हम अलग से व्यवसाय कर लेंगे हमारा और पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। और अगर लोन नहीं मिलेगा तो किस प्रकार से छात्र परेशान होंगे, किस प्रकार से छात्राएं परेशान होंगी? हमें एजुकेशन मिल ही नहीं रहा है, फिर हम करेंगे क्या, बेरोजगारी बैठना पड़ेगा हमें, दर दर की छोपे खानी पड़ेगी। बताइए क्या नाम है आपका? जीवन सिंह। जीवन सिंह जी कहाँ रहते हैं आप? बोल्डिया। पढ़ाई कहाँ था कि आपने? मेरा फाइनल चल रहा है। फाइनल? बीए फाइनल चल रहा है। पढ़ लिख कर क्या करना चाहते हैं आप? कुछ भी अच्छा काम करना चाहता हूँ, उसके लिए लोन की ज़रूरत होती है, सरकार अभी लोन दे रही। अब सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलती हैं जैसे कि लोन लेकर स्टूडेंट छात्र छात्राएं कुछ भी व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, अब वह आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं और उनको जो योजनाएं थी कुछ योजनाएं उनको बंद कर दिया गया है, तो क्या दिक्कतें खड़ी होगी, क्या परेशानी होगी बच्चों के लिए और क्या रहेगा? वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे ना स्टूडेंट, आगे क्या कर पाएंगे, लोन ही नहीं मिलेगा तो उनको आगे क्या करेंगे, पढ़ाई के बाद क्या, पढ़ाई का क्या मतलब। पढ़ लिख कर किस प्रकार से माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं बच्चे और किस प्रकार से शहर गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, क्या रहता है? बच्चे अपने पढ़ लिख के अपना अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अच्छा, सरकार ने वो योजना ही बंद कर दी। क्या करना चाहिए शासन को, स्टूडेंटों की मदद किस प्रकार से करना चाहिए और क्या करना चाहिए? वही योजना फिर से लागू करनी चाहिए ना। अच्छा, क्या फ़ायदे होंगे अगर योजनाएं लागू होंगी तो? बच्चे आगे पढ़ पाएंगे, उनका जो भी सपना है वो पूरा कर पाएंगे, योजना का लाभ मिलेगा उनको। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।